भूपंडी का रिजर्वेशन पे गए, उनकी जिम्मेदारी है कि जो हमारा शैक्षणिक और सामाजिक आरक्षण है उसकी ठीक से व्यवस्था करें, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे और कोई भी कुछ बोलता नहीं। इतने अत्याचार होते हैं रोजाने, आपने देखा इस देश के अंदर सबसे बड़ा अभी नजदीक दिल्ली के सहारनपुर कांड हुआ, वहां पर जिंदा लोगों को काटा गया, तमाम मकानों को जला दिया गया, वहां लड़कियों के हाथ काट दिए, पैर काट दिए, सर काट दिए, इस तरीके की घटनाएं घटी, लेकिन पार्लियामेंट में एक भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हमारे। जब आप हमारे प्रतिनिधि हैं इनको बोलिए तो आप हमारी बात कहते क्यों नहीं? अगर आप हमारी बात नहीं कहते तो कैसे माने कि आप हमारे प्रतिनिधि हैं? वो कौन है? अरे और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हजार बार, जो रिलेशनशिप के लोग हैं चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, लेकिन उस फोरम के मार्फत आप बात उठा सकते हैं, आप रख सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं काम हो रहा है। आज बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, कोई कुछ बोलता नहीं। ये ठीक है कि प्रधानमंत्री ने बोला कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी भी तरीके से बाबा साहब की मूर्ति या किसी आगे से नेता की मूर्ति तोड़ी जाए, घंटे भर से बोल रहे वो बात उनकी ठीक है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? ये ऐसा जो वातावरण है ये आगे चल के प्रधानमंत्री और आपकी मंत्रिमंडल के लोगों से निवेदन है कि ये नुकसान आपका ही होने वाला है, और आप देख लीजिए कि आपकी धंधी जो है वो बच गई है। उत्तर प्रदेश में आपकी प्रतिष्ठा जो इस पर दाव लगी थी वो प्रतिष्ठा समाप्त हो गई है, दो सीटों पर आपकी प्रतिष्ठा समाप्त हो गई है। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं वो आप पूरी नहीं कर रहे, जो उनके काम है वो आप नहीं सुन रहे, उनकी आवाज है वो जो नहीं सुन रहे, इसलिए ये सब कुछ होने वाला है। और ये परिवर्तन की आग है, परिवर्तन की आग जब चालू होगी तो ये सब बदल देगी माहौल। इसलिए मेरा निवेदन है कि बाबा साहब अम्बेडकर की कितनी बातें हैं, आप देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कितने महान काम किए। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात होती है, बाबा साहब अम्बेडकर ने 1942 से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना के दिया और बना के दिया और बाकायदा उसके ऊपर थीसिस लिखी बाबा साहब ने, प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, उसमें अंग्रेजों को बाबा साहब ने डरा कि तुमने हमारे देश को सोने भी लिया है उसको इस तरीके से लूटा है, और बहुत सारे काम है। आज अमेरिका के लोग बाबा साहब का फोटो लगा करके फोटो खिंचवाते हैं, आज अमेरिका का राष्ट्रपति सामने फोटो रख करके बात करता है, रशिया का राष्ट्रपति सामने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के चलता है, दुनिया के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मान रहे हैं, और दुनिया के लोगों ने नॉलेज ऑफ मैन की बात करती गई उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नंबर वन पे आए, नंबर वन, ये सबसे बड़ी महानता है। और बाबा साहब अम्बेडकर का कार्यवाह यूएनओ में पास हुआ, यूएनओ में उन्होंने जो दलित दबे पिछड़े लोग किसी भी मुल्क के हैं 200 कंट्रियों के लोगों के लिए एक प्रस्ताव पारित हुआ है जो सभी लोगों के लिए बाबा साहब के नाम पर उनके तमाम विकास के कार्य किए जाएंगे। तो मित्रों मेरे पीछे वक्ता बहुत हैं और वादे भी बहुत हैं और कहने का मौका भी है, लेकिन मैं समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, मंच की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ और आप सब लोगों को बधाई देता हूँ इस मंच के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, कि आपने ऐसे समय में संकीर्ण वातावरण में भी इतने भव्य तरीके से अपने आप को प्रदर्शित किया है। आप बधाई के पास आए। जय भीम।